हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के तरफ से आई हुई बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। ओके दोस्तों, तो इस वैकेंसी में जो वैकेंसी आई है ये रेलवे ऑपरेंटिस से रिलेटेड है। जो भी कैंडिडेट ITI किए हुए हैं और 10th पास हैं, वो 10th प्लस ITI पास हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जिस भी ट्रेड से, उनके लिए गोल्डन चांस है, उनके लिए अप्रेंटिस के लिए आई हुई वैकेंसी। ओके दोस्तों, तो इसमें लास्ट डेट क्या रहेगा, स्टार्टिंग डेट क्या रहेगा, एज कितना रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन का फीस कितना रहेगा, ये सारा चीज़ हम आपको, और टोटल वैकेंसी कितनी है वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और समझाएंगे। ओके दोस्तों, तो समय ना गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप, मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, यानी जो ये वैकेंसी आई है अप्रेंटिस के लिए गोरखपुर जोन से आई हुई है। इसका जो डेट है, कब स्टार्ट डेट हुआ था, 12/6/2024 को ये स्टार्टिंग डेट हो गया है फॉर्म भरने का, अप्लीकेशन का, अप्रेंटिस के लिए जो बंदे ITI कंप्लीट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, तो आप यहां पे और देख सकते हैं एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन 2024-2025, यानी 2024-25 के लिए अप्रेंटिस के लिए, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है रेलवे की तरफ से। ओके दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग डेट आप यहां देख सकते हैं 12/6/2024 से 24 को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना। लास्ट डेट आपका दिया हुआ 11/7/2024 शाम 5 बजे तक, यानी ये टोटल एक महीने का आपको टाइम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम द कैंडिडेट के लिए क्या क्या रहेगा, इसमें 1961-1962 अप्रेंटिसशिप रूल्स के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका यहाँ पर डिटेल वगैरह दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर दिया हुआ है आपका 1 से लेकर 9 तक। ओके, यहाँ वर्कशॉप और यूनिट दिया है, यहाँ स्लॉट दिया, स्लॉट यानी होता है सीटें के, यहाँ पे कितनी खाली हुई है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे 1104 टोटल सीटें हैं, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में आपका 411 सीटें हैं, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 63 सीटें हैं, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट में 35 सीटें हैं, मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 151 सीटें हैं, डीजल शेड इज्जत नगर में आपका 60 सीटें हैं, कैरिज एंड वैगन में आपका इज्जत नगर में 64 सीटें हैं, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन 155 सीटें हैं, डीजल शेड गोंडा में 90 सीटें हैं, कैरिज एंड वैगन वाराणसी में 75 सीटें हैं। आप यहां टोटल जो सीटों की संख्या है वो 11/4 सीट है। अब कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा सीट है वो सारा चीज़ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, और कौन से ट्रेड के लिए कितने साल का अप्रेंटिसशिप रहेगा ट्रेनिंग, वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहां पे देख सकते हैं द डिटेल ऑफ ट्रेड वाइज स्लॉट ब्रेकअप ऑफ द रिजर्वेशन फॉर ST/SC/OBC/EWS दिव्यांग एक्स सर्विस मैन और जो भी अंडर एज में रहेंगे उनके लिए यहाँ पे छूट वगैरह और बताया गया है। ओके दोस्तों, कितनी सीट किसके लिए हैं, तो यहाँ पे वर्कशॉप यूनिट दिया हुआ है, यहाँ ट्रेड दिया है किस ट्रेड से आप रहेंगे, यहाँ UR यानी जनरल कैटेगरी, EWS दिया हुआ है, SC दिया है, ST दिया है, OBC दिया है, टोटल दिया हुआ है, एक्स सर्विसमैन का दिया है, PWDB दिया हुआ और ट्रेनिंग पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना अपने ट्रेड देख सकते हैं कौन सा ट्रेड में कितना सीटें हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं यूनिट में, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, फिटर ट्रेड के लिए है, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए है, कारपेंटर के लिए, पेंटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए कितना सीटें हैं, इसमें EWS में कितने सीटें हैं, SC में कितने सीटें हैं, ST में कितने सीटें, OBC में कितने सीटें हैं, टोटल इतना सीटें हैं, मतलब गोरखपुर मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में टोटल सीटों की संख्या है 411 सीटें हैं। अभी मैंने ऊपर आपको दिखा दिया था 411, कुछ ऐसा हो जाएगा, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं अलग अलग ट्रेडों के लिए। उसी प्रकार सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए आप देख सकते हैं, फिटर ट्रेड के लिए, मशीनिस्ट के, वेडलर के, कारपेंटर के, टर्नर के भी सीटें हैं यहाँ पे अवेलेबल। ओके दोस्तों, इसकी भी टोटल जो सीटों की संख्या है 63 है, और इसका जो पीरियड है आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर के लिए है, ज़्यादातर जो अप्रेंटिसशिप रहती है वो 1 ईयर का ही रहता है। आप यहां देख सकते हैं ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए भी अलग अलग ट्रेड दिया हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं, फिटर
मशीनिस्ट वेल्डर तीन ही ट्रेड दिया हुआ है ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर के लिए, फिटर दिया मशीनिस्ट दिया है वेल्डर दिया हुआ है, फिर मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में दिया, फिटर दिया वेल्डर दिया कारपेंटर दिया इलेक्ट्रिशियन दिया हुआ पेंटर दिया हुआ है, उसके लिए भी अलग अलग सीटें हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, यहाँ पर दिया हुआ 4, 6, 3, 10, 39, 39। ओके, डीजल सेट के लिए आपका इलेक्ट्रिशियन और डीजल मैकेनिक के लिए हुआ है सीट, जनरल के लिए 12-12 सीटें हैं, टोटल सीटों की संख्या 60 है। ओके दोस्तों, कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में टोटल जो सीटें हैं केवल फिटर की हैं और टोटल फिटर की संख्या जो है 64 है। इसका भी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए रहेगा, 1 ईयर के लिए रहेगा। ओके दोस्तों, और भी नीचे दिया हुआ आप देख सकते हैं, कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, कारपेंटर के लिए, ट्रिमर के लिए, मशीनिस्ट पेंटर के लिए, ये आईटीआई में किए जाने वाले ट्रेड होते हैं, अपने पढ़ाई किए जाने वाले ट्रेड होते हैं, जैसे फिटर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, टर्नर होता है, मशीनिस्ट होता है, ट्रिमर होता है, कारपेंटर होता है, इस इन कम्प्लीट होने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोटल सीटों की संख्या 155 है। अब आगे देखेंगे डीजल सेट गोंडा, उत्तर प्रदेश में एक एरिया है वो गोंडा डीजल सेट है, वहाँ पर वेल्डर के लिए ट्रेड है, वेल्डर के लिए सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रिशियन के लिए, डीजल मैकेनिक के लिए और फिटर के लिए, टोटल सीटों की संख्या इसमें हम देख सकते हैं 90 सीटें हैं। ओके, इसका भी ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर का रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं। कैरिज एंड वैगन वाराणसी में भी आप यहाँ पर ट्रेडों की संख्या देख सकते हैं, फिटर है, वेल्डर है, कारपेंटर है, ट्रिमर है, पेंटर है। ओके दोस्तों, और इधर भी आप टोटल सीटों की संख्या 75 है। अब यहाँ पर टोटल आपका ट्रेड पता चल गया, कौन सा एरिया में कितना सीट खाली है वो भी पता चल जाएगा आपको। ओके, जनरल कैटेगरी में क्या है, एसटी कैटेगरी में क्या है, ओबीसी कैटेगरी में क्या है, एससी कैटेगरी में क्या है, और टोटल सीटों की संख्या 1104 है। तो यहाँ तक आपने देख लिया और ट्रेनिंग पीरियड आपका 1 ईयर के लिए रहेगा, तो यहाँ तक आपने समझ में आ गया। ओके दोस्तों, अब इसका हम एज रिलैक्सेशन दिखा देते हैं, एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा वो भी बता देंगे, और इसके लिए एज कितना रहेगा, मिनिमम एज आपका 15 साल रहेगा और मैक्सिमम एज आपका 24 साल रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब एज रिलैक्सेशन में जो एसटी एससी ओबीसी रहते हैं उनका कैटेगरी में एसटी एससी का 5 साल का छूट रहता है, ओबीसी का 3 साल का रहता है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप दिया हुआ आप देख सकते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स, ओबीसी का 3 साल का रहता है और दिव्यांग कैंडिडेट मैक्सिमम 10 ईयर्स का रहता है। ओके, रही बात क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस आईटीआई पास होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, दिया हुआ आपका 50% मार्क्स। ओके दोस्तों, फिजिकल आपका स्टैंडर्ड होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस का क्या रहेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस इस फॉर्म को आप भरेंगे तो आपको 100 रुपये का पे करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फ़ीस, एसटी एससी दिव्यांगजन पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट एक्सपेक्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी, प्रोसेसिंग फ़ीस, इसको आप कैसे फीस को पे कर सकते हैं, तो ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है www.ner.indianrailway.government के वेबसाइट पे 100 रुपये का फ़ीस आपको पे करना है। इसका लास्ट स्टार्टिंग डेट आपका 12/6/2024 से स्टार्ट हुआ है और शाम 5 बजे तक आप 11/7/2024 तक इस फीस को आप पे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मोड ऑफ सेलेक्शन, मोड ऑफ सेलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सेलेक्शन में आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका अप्रेंटिस में सिलेक्शन होगा, चयन होगा। ओके दोस्तों, फिर ट्रेनिंग स्टाइपेंड क्या रहेगा वो भी आपको यहाँ बता दिया जाएगा, ये इंग्लिश में दिया हुआ और हिंदी में भी आप देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। ओके दोस्तों, 23/2024-2025 के एक्ट में आपका ये अप्रेंटिसशिप चालू हुआ है, स्टार्टिंग डेट 12/6/2024 से 11/7/2024 तक दिया हुआ है। जो चीज़ मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा था वो इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी देखना है तो हिंदी को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है और ये टोटल सीटों की संख्या दिया हुआ है 1104, यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ ट्रेनिंग पीरियड दिया हुआ है आपका एसटी एससी ओबीसी जो भी कैटेगरी रहेंगे उस कैटेगरी का कितना सीट है किस में दिया हुआ, अभी इंग्लिश में ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था आप देख सकते थे, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। ओके दोस्तों, और नीचे भी हम आके आपको और समझाते हैं, आयु सीमा जो थी आपकी मैंने अभी बताया था कि आपका अभ्यर्थी का दिनांक 12/6/2024 से 15 वर्ष से कम और 24 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए जो आयु है उम्र है।
एससी एसटी अभ्यर्थी की आयु ऊपरी आयु सीमा के मामले में 5 साल तक छूट होगी, यानी एसटी एससी के 5 साल की छूट होगी। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए मामले में 3 साल की छूट होगी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी छूट की सीमा 10 वर्ष की होगी। ओके दोस्तों, अब आवश्यकता योग्यता क्या होगी, तो आवश्यकता योग्यता हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि अभ्यर्थी को अधिसूचना जारी होने की तारीख 12/6/2024 को अधिसूचना ट्रेड में आईटीआई के साथ न्यूनतम 50% अंक सहित हाई स्कूल 10वीं का निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, 50% से होना चाहिए। शारीरिक मानक यानी फिजिकल भी आपका होगा। प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए चयनित अभ्यर्थियों को संलग्न निर्धारित प्रारूप पर प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। दिव्यांग की पात्रता रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश द्वारा शासित होगा। ओके दोस्तों, मतलब आपको मेडिकल भी आप करवाएंगे या मेडिकल का जो प्रमाण पत्र रहेगा उसको आपको जमा करना पड़ेगा। प्रसंस्करण फीस यानी प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगा, तो उम्मीदवार को प्रसंस्करण फीस शुल्क 100 रुपया भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दिव्यांग पीडब्ल्यूडी महिला उम्मीदवारों को प्रसंस्करण शुल्क से छूट दी जाएगी, इनको छूट दी गई है। ओके दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप उम्मीदवार अपने आवेदन प्रसंस्करण को 100 रुपये का पूर्वोत्तर रेलवे वेबसाइट पर माध्यम से जमा कर सकता है। ओके, अभी मैंने बता दिया आपको। अब चयन होने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, चयनित कैसे होता है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु योग्य उम्मीदवार का चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। जो उनका मेरिट सूची रहता है उसके आधार पर किया जाएगा। दोनों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए प्रतिशत के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी एक में से अधिक हाई अंक स्थान इकाई का स्थान चयन कर सकते हैं। यदि उसकी योग्यता के आधार पर पहली पसंद वाली इकाई आवंटित नहीं हो पाती है तो उसके बाद की पसंद वाली इकाई आवंटित की जाएगी। अभ्यर्थी को गोरखपुर में प्रलेख सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उन्हें प्रलेख सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट 4 आदत पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ सभी मूल प्रमाण पत्र प्रस्ताव पत्र तथा उनकी छाया प्रति लाना होगा। प्रलेख सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों को आवंटित मंडल यूनिट में प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। यानी मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें नियम कानून दिया हुआ है, इसको आप हिंदी वाला वर्जन में बता दें कैसे आपको स्टडी करना है उसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ दिया हुआ आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा इस आधार पर बनेगा। शेड्यूल सेकंड सी रूल्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी जो आपका मेडिकल फिटनेस होगा इस आधार पे आपको अपना इसको प्रिंट आउट करवा लेना है। अपना यहाँ जो भी डिटेल रहेगा उसको फॉर्म भर देना है। यहाँ एक आपका रिसेंटली पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करके अप्लीकेशन को मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, अटेस्टेड बाई मेडिकल ऑफिसर। आपका कैंडिडेट का नाम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, कैटेगरी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। ओके, ट्रेड रहेगा, ट्रेड नेम वर्कशॉप रहेगा और परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहेगा। ओके, तो ये सारा चीज़ आपको फॉर्म को भर लेना है। भरने के बाद आपको इसको लेके आना है साथ में। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस, इसमें जो भी दिया हुआ सीरियल नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इसमें क्लिक करवा लेना। हाइट, वेट, चेस्ट, आइस के बारे में, एयर्स के बारे में, स्किन के बारे में, स्पीच के बारे में, एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में, कार्डियो वास्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जेनेटिक यूरिनियर के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, ग्लैंडुलर सिस्टम के बारे में, सबका साइन करवा के आपको यहाँ देख सकते हैं। शुड बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल पेज ऑन द बोथ, यानी सिंगल पेज में ही आपको दोनों तरफ का सिग्नेचर करवाना है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का
नेम ऑफ मेडिकल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्नेशन, नेम ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सी लाइन मेडिकल ऑफिसर, सिग्नेचर सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा। ओके, अब इसको हम दिखाते हैं कि आप इस पीडीएफ फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको। ओके दोस्तों, सिंपली आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। ओके दोस्तों, सरकारी रिजल्ट जैसे डाउनलोड सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला लिंक आएगा, इस लिंक को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस खुलने के आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट। ओके दोस्तों, तो लेटेस्ट जॉब में आपको आना है। लेटेस्ट जॉब में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे NER RC गोरखपुर अप्रेंटिस लिखा हुआ, इसको क्लिक करेंगे। ओके दोस्तों, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER गोरखपुर और ये स्ट्रेट अप्रेंटिस 2024 के जो भी डिटेल रहेगा खुल के आपके सामने आ जाएगा 11 से 4 पोस्टों का। ओके दोस्तों, उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है अप्लीकेशन का डेट 12/6/2024 से 11/7/2024 शाम 5 बजे तक ओनली, और पेमेंट फीस भी आपका 11/7/2024 तक ही रहेगा। ओके, यहाँ पे 11/7/2024 और 11/7/2024 तक पेमेंट फीस रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल OBC EWS कैंडिडेट जो रहेंगे, जनरल OBC EWS को 100 रुपये फीस पे करना है, बाकी ST SC वुमेन को कोई फीस पे नहीं करना। इसको आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। यहाँ पर एज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 15 साल और 24 साल का आपका एज दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आपको मिल जाएगा उसमें छूट। आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन हो जाए, 10th+ ITI, जिसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। टोटल सीटों की संख्या 11 से 4 है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए है। ओके दोस्तों, और नीचे थोड़ा सा आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी इस वाले डाउनलोड नोटिफिकेशन जो लिखा है वहाँ पर क्लिक हियर करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा। और यहीं से आप फॉर्म को भी आगे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, इसको क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो सकता है फॉर्म। ठीक है, दोनों को मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये डाउनलोड होकर आ रहा है। मैं ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है इसलिए मेरे को डाउनलोड नहीं करना, इसको बैक कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई ऑनलाइन करना है तो अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए सारा प्रोसेस आपके सामने आना चालू हो जाएगा। जो जो चीज़ मांगेंगे उसमें आप भरते जाइएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए ये वीडियो में बस इतना ही बताना था आपके लिए। तो जो भी कैंडिडेट ITI कंप्लीट कर चुके हैं, वो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। वो तुरंत से तुरंत यानी जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दे, फिलअप कर दे और तैयारी करना चालू कर दे। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।